हेलो। हाँ पुत्र, कैसा चल रहा है सब? ठीक है ना? एंजॉय कर रही है ना तू? जी मम्मी जी। देख पुत्र, तेरे बाबूजी ने ना पहली बार तुझे अकेले जाने दिया है, फिर पता नहीं कभी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तू ना अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है? जी। प्लीज बाबा जी, उस लड़के को मुझसे दूर रखना। मैडम, ऑरेंज जूस आपके लिए। जी लीजिए। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर यहां से जल्दी निकल जाऊंगी। पाजी, मैं कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो, ये लड़की बाकियों से अलग है। अलग है इसलिए तो खोपड़ी में अटक गई है। जाओ, तुम लोग अपना संगीत वंगीत एंजॉय करो, मैं अपनी सुहागरात मनाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? सिर्फ बातें कर रहे हो। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। कहाँ जा? सुनो तो सही। प्लीज मुझे जाने दो। उस रूम की लाइट ऑफ करवाओ। अंधेरे में लड़की जितना डरेगी उतना काम आसान होगा। और हाँ, म्यूजिक इतना लाउड करवाओ कि किसी को भी हमारी आवाज सुनाई ना दे। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। खुश होके जाओ। ठीक है, मुझसे दूर रहो। प्लीज प्लीज प्लीज। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो नशे वाला जूस पीकर भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? कोई है? प्लीज मुझे बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, देखते हैं कि इतनी तेज म्यूजिक में कौन बचाने आता है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। कोई है? ये लाइट कहां से ऑन हो गई? क्या आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पे? बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर की म्यूजिक लाउड करवाई ना तूने? अब तू देख तेरी चीखों की आवाज और लाउड कैसे निकलती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को गलत नहीं ऐसे देखा तूने? क्या लगा तुझे कोई नहीं है उसके साथ? मैं हूँ उसके साथ, हम सब हैं उसके साथ, समझा? तूने खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो? जैसे घटिया आदमी को हाथ लगाएगा फिर कौन? अबे हटो, तुम लोग जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अरे मेरे पापा विधायक है, तुम सबको जेल भिजवाऊंगा। जेल की धमकी देता है, अभी तेरी डेरी निकाल दे। परी परी परी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। परी परी, नहीं नहीं परी, देख मैं आ गई ना, जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई तुझे हर्ट नहीं कर सकता। परी, मुझे पता था इस गलत नियत के बारे में, शालू ने मुझे डांस के वक्त सब बता दिया था। नीति, नीति, क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़का है ना, वो परी को परेशान कर रहा है।
रुक मैं आती हूँ। पुत्री संभाल के। मेरी आंटी को ना वहां पे चाहिए थी ये चेयर। तूने वो नशे वाला जूस नहीं पिया परी? वो जूस नॉर्मल था, देख तू बेहोश नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। अब तू देख हमें वो हाल करूंगी ना आज कि पूरी जिंदगी बिस्तर से नहीं उठेगा ये। रुको, हटो सब लोग। बेशेरा भागा इनको यहाँ से। पीछे हटो वरना मैं गोली चला दूंगा। ए, सब लोग। ए, हटो सब लोग, पीछे हटो। मत कैसे हुई तुम लोग की? मेरे मालिक को छूने की। चलो चलो हटो। सबको देख लूंगा और तेरा तो वो हाल करूंगा जिंदगी भर नहीं भूलेगी तू। और तू, तुझ पे तो मेरी नजर पड़ चुकी है, तुझे तो मैं पाके रहूंगा। परी, ठीक है? रो मत, डर मत, बता कौन था वो? परी, बोल किसने किया? हिम्मत कितना हुई मेरी बहन लो छुंदे। पीछे हट, हट बुलाना, पीछे हट, पीछे हट, वरना मैं घर मार दूंगा, बोल रहा हूँ ना। मुझे छोड़ दीजिए ना बीजी। हट, गोली चलाने के लिए से नहीं गोली ना। चलिए बीजी, प्लीज प्लीज, गोली मत चला रहा। अरे खड़े खड़े देख के रे, गोली चलाना बीजी। ये तो गोली की आवाज थी ना। चला गोली, चला, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। बीजी, नहीं बीजी, छोड़ दो उसे बीजी, प्लीज बीजी, बीजी प्लीज बीजी। गोली चला दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चल के देखो संदेश आ रही है, गोली पता नहीं किधर से चली है यार, ये आवाज कहाँ से आई? वीर जी से गलती हुई, पर कम से कम आप तो गलती मत कीजिए। प्लीज प्लीज गोली मत चलाइए, प्लीज इसे जाने दीजिए। सलाम खोर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वीर जी अगर इसकी जान चली गई ना तो आपको जेल हो जाएगी, फिर मैं बाबूजी मम्मी जी चाची जी अमीनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं वीर जी, नहीं वीर जी, वीर जी प्लीज इसे मत मारिए, आपको मेरी कसम वीर जी, प्लीज वीर जी, प्लीज प्लीज इसे मत मारिए वीर जी। मेरी बहन को छुएगा, मेरी बहन को छुएगा, मेरी बहन को। परी रुक जा, विकी जो कर रहा है ना सही कर रहा है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नीति तो नहीं जाती, वीर जी गुस्से में उसकी जान ले लेंगे। वीर जी छोड़िए इसे, वीर जी नहीं, वीर जी प्लीज उसे छोड़ दो वीर जी। आज के बाद तू परी को छूने की क्या, देखने के भी हिम्मत नहीं करेगा? Oh!
वीर जी, वीर जी आपने क्या किया? वीर जी अगर इसे कुछ हो गया तो आपको कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी वीर जी। परी चल चल के उसे देखते। बेटा चेक कर सांसें चल रही हैं क्या? पुत्र जी कांच संभाल के। जिंदा है, सांसें चल रही हैं इसकी। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कहीं मर गया तो। पर लेकर कौन जाएगा? एक तो पुलिस केस, ऊपर से विधायक का लड़का। पापा जी प्लीज इसे मरने मत देना, अगर ये मर गया तो इसके खून का इल्जाम वीर जी पर आ जाएगा। चलो हम इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी आ। शालू अपने कार की चाबी दे। पापा जी कार की चाबी। अब मेहमानों का ध्यान रखिए, हम लोग जाकर आते हैं। जल्दी दे, ले पकड़, बाहर लेकर आओ इसे। शालू हाँ, सबसे आगे जो कार है उसकी चाबी देना यार। अरे मैंने तुझे उसी की दी थी। अरे वो स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी और की चाबी लेकर आ फटाफट। नहीं एक काम कर, रुक हाँ? मैं कुछ करती हूँ। तू अभी कहाँ जा रही है? लिफ्ट मांगने, इसे हॉस्पिटल से लेके जाना पड़ेगा ना। सिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वही सबसे पास में। नीति मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। अरे नहीं परी, तू यहाँ रुक और विकी को संभाल, उस सरफिरे को सिर्फ तू ही संभाल सकती है। प्लीज प्लीज इसकी जान बचा लेना, अगर इसे कुछ हो गया ना तो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पक्का मैं संभाल लूंगी। जा फटाफट जा, मैं जा रही हूँ। गाड़ी रोको प्लीज, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी रोको प्लीज। चालू गाड़ी रोकिए प्लीज, इसे संभालो, हमें हॉस्पिटल, इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूं प्लीज। गाड़ी रोको। नीति हाँ, मैं रोड के दूसरी तरफ जाके किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। हाँ जल्दी जाओ प्लीज। नीति नीति कुछ कर, अगर इसे कुछ हो गया तो। क्या करूँ यार शालू, कोई रुक ही तो नहीं रहा। इस गाड़ी को तो मैं कुछ भी करके रोक कर ही रहूंगी। नीति नीति सामने से हट। मैडम तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। मैं जिंदा, मेरी मेहरबानी की वजह से, वरना तुमने तो ठान लिया था। अब I'm really sorry, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। तो क्या ना कि हमें जल्द से जल्द उस बंदे को हॉस्पिटल लेके पहुँचना है, बस उसी की जान बचाने के लिए ये भी अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी कार के सामने आई थी। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए प्लीज। और अगर मैं सही टाइम पे ब्रेक नहीं मारता ना तो ये मैडम क्या कर रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो प्लीज। क्या कर रहे हो खड़े खड़े? अपना दरवाजा खोलो प्लीज। इसे कार में डाल लिया शालू, आराम से। तुम गाड़ी स्टार्ट करो और हॉस्पिटल लेकर चलो हमें, जल्दी जल्दी चलिए। शालू हाँ, तूने मम्मी पापा को बताया ना कि मेरे साथ जा रही है? देख मम्मी जी को तो बता दिया, पापा जी को नहीं बताया। मम्मी पापा जी को बता देंगी। चल दे, भी परी को ले आए। मैंने उनको बोल दिया कि आप परी को ध्यान से ले आना। क्या है? बचा लिया मैंने तुम्हें आज, वरना तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए लिफ्ट मांग रही होती। तो क्या थैंक यू बोलूं? नीति ये तो क्या कर रही है, उसने तेरी हेल्प की है ना। हेल्प की? जान ले लेता मेरी। क्या बोल रही है तू? और क्या, इतनी पास में आके गाड़ी रोकी थी इसने, मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आ गया था। वो तो अच्छा है कि मैं बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई, वरना ये भी फुर्र हो जाता पता है। इस विक्की ने भी ना कौन तो ऐसा किया है कि सारा इल्जाम बेचारी परी पे आ जाएगा। पता नहीं आज के बाद उसके बावजूद से घर से बाहर निकलने भी देंगे या नहीं। सॉरी अंकल जी, वो सारा नुकसान हो गया। नुकसान की चिंता नहीं है पुत्र, चिंता है तेरे गुस्से की। गुस्से में तूने राकेश को नीचे फेंक दिया, रब ना करे उसे कुछ हो गया तो। नहीं दीजिए आंटी जी, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक भी नहीं है। वीजी, वीजी आप बैठिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। अरे रहने दे, कुछ नहीं हुआ है मुझे, गोली बस छू के गई। हाथ देखे अपना कितना खून निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मत कर चिंता इतनी। आपकी चिंता ना भी करूं वीर जी, पर शालू और नीति की चिंता हो रही है, पता नहीं वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे होंगे कि नहीं। देव जी क्या नीति राकेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई? हाँ मैंने खुद देखा, उन लोगों को लिफ्ट मिल गई थी। चलो भाई उसे चल दें, ठीक है? क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं? पागल लड़की ने मुझे एक बार भी हिंट दिया होता ना तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं।
उसको तो मैं पहले सीधा कर दी थी। कब से चल रहा था ये सब कुछ? आज मॉर्निंग से। परी ने मुझे बताया था वो उससे कॉलेज में मिली थी, तब भी उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। वही बता देती ना तो इसका वेंट मैं वही बजा देती। ये लड़की पागल है एक नंबर की, क्यों इतना डरती है मुझे तो समझ नहीं आता। एक बार इसकी जान बचा लूं फिर उसकी खबर लूंगी मैं। वेल एक्सक्यूज मी, अगर आपकी बातचीत खत्म हो गई तो आप बता दीजिए हमें जाना कहाँ है। अब मरते हुए आदमी को हम डिस्को तो नहीं लेके जाएंगे, है ना? आई मीन हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, बट कौन सा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? अब ये चीजें मैं मरते हुए इंसान से तो पूछ नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है, पहले लेफ्ट लो फिर राइट लो फिर राइट फिर उसके बाद लेफ्ट। और वैसे अगर तुम बोर्ड्स पर ध्यान दोगे ना तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल कहाँ है। ओ हेलो, सीधा देख लो वरना तुम्हें भी ना ऐसी हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। वेल आई डोंट माइंड, अगर ऐसे कंधे पे सर रखने को मिलेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी फ्रेंड की यहाँ पे आफत आई हुई है, ये मरता हुआ आदमी तुम्हारी कार में है और तुम्हें फ्लर्ट सोच रहा है। देखो अगर ये मर गया ना मेरी फ्रेंड के भाई को जेल जाना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? और अगर तुम मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तो मुझे भी जेल जाना पड़ता। नीति बोला बोला भाग जिंदा। हाँ पीछे 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 लो। सुना मैंने, मैं मुड़ रहा हूँ एक मिनट। एक नंबर का फ्लर्ट है, मौका और जगह भी नहीं देखता। हेलो, एक काम करो मेरी फ्रेंड की हेल्प करो, मैं स्ट्रेचर लेकर आ रही हूँ, जल्दी उसको हेल्प करो। क्या कर रहे हो, खड़े होके इमरजेंसी केस है यार। वैसे नाम क्या? राकेश। What? हाँ राकेश ही है पेशेंट का नाम, जल्दी करो इमरजेंसी है। दीवाना क्या पागल, सरफरी लड़की है बिल्कुल। ओ हेलो, सीधा देख लो वरना तुम्हें भी ना ऐसी हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी। ये तो सरफरी लड़की का ही इयररिंग है, दे के आना चाहिए वापस। एक बार मना किया ना, नो मींस। देखिए मुझे बस ये इयररिंग देना, मुझे बस ये जानना है वो लड़की जो राकेश को एडमिट करा के गई है वो कहाँ है। मैं आपको नहीं बता सकती, ये हॉस्पिटल है, कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ जिसकी मर्जी वो घूमने चला है। आपको ये झुमका देना है ना, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। ओके फाइन, आप ही दे देना। फालतू में आया, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी आई एम सॉ एक सेकेंड, रिलैक्स रिलैक्स, मैं करता हूँ। मेरी गलती है, I'm sorry. I'm sorry. गलती मेरी है, पता नहीं। बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या हुआ, कुछ पता लगा कहाँ है वो लोग? नहीं। चलो। दीवानी, 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 तेरी दीवानी। यहाँ पे एक पेशेंट लाए होंगे, राकेश सिंह नाम है उनका, आप प्लीज उनका रूम नंबर बता पाएंगे? एक मिनट मैम। मैम रूम नंबर 5 आगे से राइट। थैंक यू जी। ये तो नीति की इयररिंग है, आप जानती हैं उन्हें? जी वो मेरी दोस्त हैं। ठीक है तो फिर आप ही दे दीजिएगा। थैंक यू जी। शुक्र है राकेश को यहाँ टाइम पे ले आया और उसका इलाज भी शुरू हो गया। अच्छा तुम लोग अपना ख्याल रखो और मैं जा रहा हूँ, और अगर कोई भी जरूरत होगी ना तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू देव। एनी टाइम। तू टेंशन मत ले, ले पानी पी। अच्छा उस भले आदमी का जिसने तुम्हें लिफ्ट दिया और टाइम से राकेश को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता।
ऐसे कंधे पे सर रखने को मिलेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। भला आदमी, एक नंबर का फ्लर्ट था, कैसे ताड़ रहा था मुझे कार में, और अभी जानबूझकर ही टकराया होगा। सॉरी, आई एम सॉरी। अभी शालू, शालू का फोन आया है, लगता है घर पहुंच गए। हेलो शालू। नीति, वो विक्की वीर जी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। गलती उस एमएलए के बिगड़े हुए औलाद की, उसे जाके पकड़िए ना। मुझे जो मत सिखा मेरे को। शांत हो जा पुत्र, शांत हो। सर, सर जी मुझे पता है इसने गलती की है, मगर गलती की है तो कानून सजा देगा ना उसको। परी तेरे वीर जी को ना पुलिस पकड़ने आई है। क्या? गिरफ्तार करो उसको। सर प्लीज, गिरफ्तार करो। नहीं पकड़ सकते, ये बिल्कुल गलत है। एक साथ जबरदस्ती मत कीजिए, पहले बता रहा हूँ। तू मुझे कानून सिखाएगा? एक तो एमएलए के बेटे को जान से मारने की कोशिश की, ऊपर से मुझे सिखा रहा है तू? मुझे सिखा रहा है? सबके सब मिले हुए, उसके बाप की नौकरी करते हो ना, इसलिए उसकी साइड तो लोगे ही ना। जुहान को लगाम दे, तेरे जैसे 36 बदमाशों को ठीक किया है मैंने, समझा? बदमाशों को ठीक किया होगा, लेकिन मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। जो किया बिल्कुल सही किया। जा चली चली तुझे हवालात में ले जाके तेरी सारी चर्बी निकालूंगा, और देखना तेरे माँ बाप ना। माँ बाप पे मत जाना, पहले बता रहा हूँ। सर, पुलिस वाले पे हाथ उठाता है तू? पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा? चल मैं तेरी सारी चर्बी बताता हूँ कैसे। कोई नहीं, टेंशन ना ले बाबूजी, है ना, सब ठीक हो जाना है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, एक तो एमएलए के बेटे पे हाथ उठाया, ऊपर से पुलिस वाले को धक्का दिया। हाँ, सिंगल पीस में आया जरूर है, लेकिन सिंगल पीस में बाहर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल जा, ए काम लगाओ। और जय जी, क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे? विक्रम, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, न जाने उसके साथ क्या सलूक कर रही होगी। मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। और वीर जी को न जाने कितने लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, कितने लोगों के एहसान लेने पड़ेंगे उसे छुड़वाने वास्ते। ये सब कुछ ना तेरे कारण हो रहा है। बस कर, और किन्ना बोलेगी? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आपका भी लड़का है ना, वो बाप है ना आप उसके, उसके छुड़वा के लाइए। खड़े हैं, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। परजाई जी, मैं क्या शांत हो जाऊं? अरे ठीक तो तब होता ना जब ये बाहर ही ना जाती, ना ये बाहर जाती, ना वो लड़का इसे छेड़ता, ना विक्रम उसे पीटता, ना पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती। मेरी जान निकल रही है परजाई जी, आप नहीं समझ रहे। आप सुनो जी, मैं भी तोड़े नाल चलांगी। नहीं गुरप्रीत, तू कर रहा है, कुड़िया ते मनदीप दा ख्याल रख, मैं हो गया ना। तोड़ा पैर। हां हां, परेशान ना हो, चल गड्डी कड़। जी वीर जी, जल्दी चल। ख्याल रखना है। जी जी, पर जाए जी। सत श्री अकाल वीर जी, की गल हो गई? ओथे कोई फोन शोन आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। ओ चल, मैं तेरे नाल चलना। चल चल चलो वीर जी, जाके भरजाई नु देख के आ। हां जी। लोग सोए नहीं अब तक? विक्रम कितने जी? हाँ, क्या हुआ, कहाँ है मेरा बेटा? आप दोनों अकेले कैसे आए? आराम ना, कुछ बोलो ना विक्रम कहाँ है? अरे बताओ तो सही मुझे कि क्या हुआ है। दस्ते क्यों ने विक्रम तक ही होया? विक्रम के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा केस बना दिया है, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को मारने का, राकेश की हत्या की कोशिश करना और सबूत मिटाने का केस बना है उस पर, इसलिए बेल मिलनी मुश्किल है। आ गए ना आप लोग खाली हाथ वापस? नहीं किए ना वीर जी ने कोई भी कनेक्शन यूज? मंदीप, वीर जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब इसमें पता है मैंने कितनी कोशिश की है? वो तो उसे बदमाश लड़का ही मानते ना, पर उसी बदमाश लड़के ने वो किया है जो उसे करना चाहिए था, लेकिन आपके वीर जी ने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। क्या नहीं किया वीर जी ने? मेरे बच्चे को वापस क्यों नहीं लाए? अरे उसलिए वो मिल रहे ना वकीलों से, अब कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा वक्त लगता है, तू ठंड रख। मुझे पता है इस घर में मेरे अलावा मेरे बच्चे की और किसी को परवाह नहीं है। अरे उनकी बेटी तो वापस आ गई ना, किसके कारण? विक्रम के कारण। विक्रम को पुलिस कितना मार रही होगी, पीट रही होगी, किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे तो पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाने से पहले कुछ तो सोच लेना चाहिए था। मेरा ही बट्टा तो निकम्मा है, सब मानते हैं, आप भी बोल लीजिए, नौकर बना के रखा है उसको। अरे क्या कहे जा रही है तू, किसने बनाया उसे नौकर? आपके वीर जी ने, और किसने बनाया है? अरे रोज परिणीत को कॉलेज छोड़ने जाता है, लेने जाता है, परमानेंट ड्यूटी बना दी मेरे बच्चे की, बॉडीगार्ड बन के गया था ना। बाबा बस कर, बस कर, तेनु रब दा वास्ता, परनीत का भाई है वो, अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता है उसे, इसलिए फिकर है उसकी। कान खोलकर एक बात सुन लीजिए, अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी मैं। क्या देखिए, अरे पहले ही परेशानी कम है जो तू और बढ़ा रही है, ठंड रख। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं पुत्र नहीं,
तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी मेरी वजह से जेल चले गए, उनको पुलिस ने कितना मारा होगा और बाबू जी ने भी आपको कितना डांटा, आपको मेरी वजह से सब कुछ सुनना पड़ा, सारी गलती मेरी है बाबू जी। रोना बंद कर, माँ को तो सबकी सुननी पड़ती है ना, माँ होने का तो मतलब ही यही है ना, बच्चा चाहे कुछ भी गलत करे लोग माँ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जब तक माँ ये जानती है ना कि उसके बच्चे सही हैं, सुरक्षित हैं, लोग चाहे कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरे बच्चे रोना बंद कर, वैसे अपने मन की बात बताऊं, विक्रम ने जो किया ना बिल्कुल सही किया, हाँ लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। एक आदमी जो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है ना, उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। कानून से मिले तो अच्छा है, वरना विक्रम दे तो भी ठीक है। वो तो बस एमएलए का बेटा नहीं होता तो बात इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे बच्चे आज सो जा। वैसे सुना तो है कि ये एमएलए भला आदमी है, बस वाहिगुरु जी इस एमएलए के गुस्से से हम सबकी रक्षा करना। यही है उस लड़की का घर। जी मालिक। ताऊजी। हाँ? ताऊजी बाहर वो एमएलए आए हैं जिनके बेटे को वीर जी ने मारा था, उन्हें आपसे मिलना है। वीर जी, वो विधायक जी आए नीचे? हाँ मालूम है, पता नहीं क्या करने आया होगा। अरे अब्बा, कहीं उनका लड़का मर तो नहीं गया, बदला लेने आया हो? अरे कुछ भी मत बोल, चुप चुप बोल। सुनिए जी, वो एमएलए आया तो उन्हें मिलने वास्ते। मालूम है, तू जाके पानी उन्हें लेके रहा। हाँ। मैं मिलता हूँ उनसे। पर तुसी आराम नाल गाल करियो, ओदे नाल गुस्से नाल गाल ना करियो। ठीक है। सत श्री अकाल जी, मैं विक्रम का ताया। जी मैं उसका बाप। और मैं माँ हूँ जी। दो बातें करनी है आपसे, पहली ये कि मेरा बेटा होश में आ गया है, बुरी तरह से मारा था आपके विक्रम ने उसे, पर ईश्वर की कृपा से अब वो खतरे से बाहर है। कमाल की बात है कि उसकी जान पे हमला करने वाला भी इसी घर से था और उसकी जान बचाने वाली भी इसी घर से थी। मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी ने सही समय पर आकर उसे अस्पताल पहुंचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात ये कि मेरे बेटे को आपकी परिणीत अच्छी लगने लगी है। मैं भी आप लोगों की तरह चौंका था ये बात सुन के कि जिसके भाई ने उसकी जान लेने की कोशिश की उसी लड़की को वो इतना लाइक। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लोग यानी कि मेरे सारे युवा कार्यकर्ता इतने गुस्से में हैं कि वो आपके इस घर को ही जला देना चाहते हैं। राकेश उनके भाई जैसा है और सारे के सारे गर्म खून वाले हैं, भला उन्हें कोई रोक सकता है? आप रोक सकते हैं? आप बताइए, कोई रोक सकता है उन्हें? फिर भी अगर सारे के सारे रुके हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि राकेश को परिणीत अच्छी लगती है और वो ये नहीं चाहता कि इस घर पे कोई आ जाए, इसलिए उसने कहा है कि वो विक्रम के खिलाफ सारे केसेस को वापस ले लेगा। बहुत मेहरबानी जी आपकी। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाथ मत जोड़िए, आप बस अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए। राकेश ये चाहता है, उसी ने अपना और परिणीत का रिश्ता भिजवाया है मेरे हाथों।